नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल में हाथियों के झुंड ने काला ढूंगी नया गांव कॉर्बेट फॉल में की तोड़फोड़। टिकट घर और पंचक्की में भी खूब मचाया तांडव। काला ढूंगी क्षेत्र में पिछले कई दिनों से हाथियों का एक झुंड घूमता दिखाई दे रहा है। इस हाथी के झुंड ने काला ढूंगी के नया गांव स्थित मशहूर पर्यटक स्थल कॉर्बेट वाटरफॉल में घुसकर जमकर तांडव मचाया है। मुख्य हाईवे किनारे ही बने टिकट घर में तोड़फोड़ करते हुए कुर्सियां, मेज और अन्य सामान को तोड़ डाला। इतना ही नहीं, मुख्य द्वार से कुछ ही दूरी पर स्थित बने शौचालय में भी तोड़फोड़ कर डाली और यहाँ पंचक्की में भी हाथियों के झुंड ने खूब तांडव मचाया है। बताते चलें कि विगत दिनों हाथियों के इस झुंड ने काला ढूंगी से निहाल जंगल की तरफ 8 किलोमीटर दूर से दूरस्थ गांव धापला में भी कई घरों में तोड़फोड़ कर डाली थी। ये हाथियों का झुंड काला ढूंगी क्षेत्र में कई स्थान पर मुख्य हाईवे को पार करता दिखाई दे रहा है। काला ढूंगी संवाददाता जायद हबीबी की रिपोर्ट। वर्षा काल और जाड़ों में हाथियों का मूवमेंट अक्सर रहता है, क्योंकि ये कॉरिडोर है तो यहाँ पर इनकी उपस्थिति लगातार बनी रहती है। और मेरा लोगों से यही अपील है कि इन हाथियों देखे जाने पर उनसे उचित दूरी बनाए रखें, अनावश्यक शोरगुल ना करें, सीटी ना बजाएं और सेल्फी के चक्कर में ना उनके नज़दीक ना जाएं। बस मैं यही अपील करूंगा और आप सुरक्षित रहें, यही मेरी अपील है। और आबादी के निकट देखे जाने पर इसकी सूचना तुरंत विभाग को दें और हमारा स्टाफ मौके पर आकर उसका जंगल में भगाएगा।